आज हम जकार्ता सिटी के अंदर और हम जाएंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए एक अंडे का ऑमलेट खाने के लिए, बड़ा यूनिक स्टाइल का ऑमलेट है। उसके बाद हम जाएंगे कुछ अराउंड 280 साल पुराने कैफे बताविया के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे स्वीट स्टाइल पैनकेक खाने के लिए चॉकलेट फ्लेवर का, और वहीं पर बनेगा मुगलई परांठा स्टाइल इनका कुछ अमेजिंग सा परांठा। और नेक्स्ट हम डे एंड करेंगे चिकन साटे के साथ, जो याकी एक नेशनल डिश है। तो ये एपिसोड एंजॉय करना इंटरनेशनल फूड सीरीज का, और कमेंट करके जरूर बता दो कि आप कौन से वीडियो देख रहे हो। तो आइए हम भी देखते हैं, ये भी स्टॉल लगा रहे हो, देखते हैं क्या करते हैं। इन्होंने उसे ग्लव बना लिए अपने, और ये देखो ये कोयला, ये कोकोनट कोल कहते हैं इसे। ये देखो क्या करने लगा, ये स्पेशल अंडा का, ये देखो राइस है, चावल डाले, चावल ऊपर एक अंडा डाल दिया, उन्होंने फ्राई करा गया है। ये जो है ये श्रिम पेस्ट है, ये अनियन है। देखो उल्टा तवे का परांठा होता है, उल्टे तवे का अंडा है। ये ड्राई कोकोनट डाल रहे इसमें, अनियन डाल रहे, हैबिट है। ये अंडा हमारा तैयार है, कुरच के फुरचन ऊपर डाल दिए उन्होंने। हो गया तैयार, थैंक यू। तो आप सबको तो पता है मुझे श्रिम्प प्रॉन से एलर्जी है। कोकोनट का टेस्ट अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कोकोनट मलाई खा रहे हो ऑमलेट के उसमें। पीछे आप कॉफी भी ले सकते हो, इतनी मर्जी कॉफी पियो, ये इनकी लिस्ट है कॉफी की, ये 55 रुपये की 55,000। आगे हम लोग कैफे बताविया, हमारी नेक्स्ट लोकेशन। ये एक ओल्ड म्यूजियम के लोकेटेड है, काफ़ी पुराना है। इसका इंटीरियर डच स्टाइल का है, कुछ इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर रखा है, लेकिन बिल्कुल आपको एक पुरानी कॉलोनियल एरा में ले जाएगा। ये एक्सपेंसिव है मतलब, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फॉरनर्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ ऑर्डर करी है वो है एफागाडो। यहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, वर्ल्ड में आई थिंक बेस्ट कॉफ़ी इंडोनेशिया में मिलती है। इसमें इन्होंने एक्सप्रेसो शॉट, आइसक्रीम और रम डाल रखी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। नेक्स्ट हमने इनकी लोकल ड्रिंक पी है, विच इज़ अ जावा। ये ऊपर मारी गोल्ड जैसा बिस्कुट है, नीचे प्लम शुगर और कॉफ़ी है। इसका टेस्ट भी काफ़ी कमाल का था। ये पी लोगे ना आप कॉफ़ी, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपको स्टारबक्स जाना है। बेस्ट कॉफ़ी बनाते हैं, स्टारबक्स से भी अच्छी। नेक्स्ट हमारा जो चिकन था आई एम चिकन, वो यहाँ पे यूनिक स्टाइल से, आई एम यूजली फ्राइड चिकन होता है, लेकिन इन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से सर्व कर रहे हैं। ये पूरा चिकन को, ये पहला चिकन की डिश है जो जिनका टेक्सचर सोया चाप जैसा है, तो उसको मशी करके उसको ओवन में पकाते हैं, बड़ा एक यूनिक स्टाइल में। और ये जो डिश है कम से कम 3,500 रुपये की है। तो डिश ऐसे मंगाओ ना कि चार लोग आपकी टेबल की तरफ देखें और बोले वाह भाई वाह क्या ऑर्डर करा है। तो ये इसको ऐसे सर्व कर रहे हैं, और इसके ऊपर इन्होंने सॉस डाली। तो मैंने बोला इस सॉस में क्या है, तो इन्होंने कहा इसमें बीफ स्टॉक है, तो इनको मना कर दिया, बिकॉज हम लोग बीफ नहीं खाते। मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप बीफ नहीं खाते, बाकी कंट्री में पूछ लो चिकन के साथ ये बीफ की चटनी या कुछ दे सकते हैं तो पूछ लो। अच्छी ये मिर्ची है जिसको हम खा रहे हैं, और मिर्ची की चटनी के साथ हम इसको खाएंगे। खाने में ये चीज़ काफ़ी टेस्टी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ में हम खा रहे हैं इनके सैफ्रॉन राइस, जिसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। जो हमारा टोटल बिल जो यहाँ पे आया वो अराउंड था 3,300 रुपये का, 6,20,000 रुपये का। ये देखो ये है मेन चीज़, ये इन्होंने ज़रा सा उसमें मक्खन डाला है, और ये काफ़ी पॉपुलर है। मतलब यहाँ पे डचेस थे, डच में लोग पैनकेक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके कल्चर से इन्होंने अपने आप मिला लिया। उनके अब भी दिक्कत है, ब्रिटिश की सबसे फेमस डिश जो है वो चिकन टिक्का ही है, अब तो अंग्रेज़ हमारे खाना खा रहे हैं, तो वैसे ये डच है। अब मैं मतलब अलग ही है, देखो पूरा क्रेप है, ये इनका बन चुका है। ये उसने अब ये डाल रहे मक्खन और बटर, बटर ओके, नॉन डेरी से बनता है, बिकॉज देखो पिघल नहीं रहा है।
आपको अगर लगता हो गुजरात में चीज़ की बारिश होती है, नहीं, इंडोनेशिया में भी चीज़ की बारिश होती है। आप अपने गुजराती फ्रेंड्स को इस वक्त टैग कर सकते हो कि मिल गया हमें जगह जो हमसे भी ज़्यादा डालता है चॉकलेट भरा हुआ है। वो करते हैं डिसरिस्पेक्ट कोई हो, देखो यहाँ पे गुजरात में ये चॉकलेट ये कर्मल डाल रहे हैं, फूड हर टाइप का होता है। अब देखो ऊपर ये मिल्क में डाल, चीज़ और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन चलता है। ये नहीं है कि विश्व में सिर्फ गुजराती लोग खा रहे हैं, तुम उनको गलत गलत बोल रहे हो या उनके वेंडर को गलत बोल रहे हो। ये कट हो गया ना, बड़ा मज़ा आएगा। देखो ये दूसरी साइड भी इसको बटर लगा रहे, ये एक्चुअल में बटर लगा रहे जो पिघल रहा है। वाह ये देखो इसमें कितने बढ़िया पीसेस बन गए, ये बिल्कुल है ना केक जैसा बन गया भाई साहब, मज़ेदार। और ये भी ये ना कुर्चन है। तो गाइस हमारा इंडोनेशियन मलेशियन ब्रांडा बनने को तैयार है। और देखो ये पहले वेजिटेबल है, स्प्रिंग अनियन डाले इन्होंने, ये ऊपर का हिस्सा डाला। अब अंडे यहाँ पे ना बड़े महंगे हैं, पता नहीं क्यों। ये तो इनका बच्चा लाख लाख दो दो लाख के अंडे बेचते हैं, होते हैं इनकी करेंसी के तरफ। ये नमक डाल रहे हैं, पेपर, ये वाइट पेपर को मिलाया जा रहा है। ये डाल रहे हैं चिकन, चीज डाले चीज चीज मोजरेला चीज, पाम ऑयल, पाम ऑयल, ये चीज था भी थोड़ा कैसे हुए। कोई खाना ही हाँ, अरे क्या बच्चे को ला के रख दिया तुमने, तुझे चढ़ाई थी मम्मी। मशरूम, चिकन, चीज, ये देखो ये छोटा सा इनका ग्रिल है, जैसी हमारे पे सिंगड़ी होती है ना वैसी ये रोड साइड स्क्यूअर्स बेच रहे हैं। ये जो है ये चिकन है और ये अंडा है और स्किन के साथ, इसको लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया ग्रिल के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये अंडा है और चिकन स्किन है, और ये जो है ये है मैरिनेटेड चिकन। ये 17 मतलब आप बोलो 100 रुपये से नीचे, इससे सस्ता मैंने चिकन वाली डिश तो नहीं देखी। पंखे से कर रहे हैं भैया इसको अच्छे से। ओके फिनिश, ओके फिर इसको सॉस में डिप करा। यस, ओके फ्राइड अनियन, ओके तो ये बन चुका है, खा के देखते हैं कि कैसा है। चिकन खा के देख रहा है ये पहले, अच्छा मतलब और 100 रुपए के हिसाब से चिकन क्वालिटी अच्छी है, चिकन क्वालिटी काफी अच्छी है ना 100 रुपए के हिसाब से, टेंडर है काफी, अच्छा सांभाल है इसमें, अच्छा मतलब प्रॉन वन है इसमें। तो देखो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, मैं मलेशिया लास्ट टाइम गया था तो मुझे बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मेरी आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी, मैंने इतना सांभर खा लिया था। अब ये अंडे वाला खा के देखेगा, ये चिकन स्किन है, काफ़ी अच्छा है, जैसे पोक खा रहे हो, मतलब पोक नहीं खा रहे यहाँ पे, कोई चिंता मत करो, यहाँ पे बेकन जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब यू विल रिकमेंड दिस थिंग। देखो ये लैम्ब है, This is coconut charcoal, coconut charcoal. तो ये देखो यहाँ पे अलग ही लेवल पे इन्होंने कर रखा है, साथ में देखो इन्होंने पंखा बंद कर दिया और अच्छे से ग्रिल हो चुका है। तो यहाँ की क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, देखो ऊपर नमक भी डाल रहे हैं, दिस इज मच मच बेटर। जो पांडा राइस कहते हैं।